Hi, good evening everyone. How are you all? Hi guys. Yeah, so let me quickly see who all are present. Yes, hi Bhavna, Shivani, Shubham, hi Pragati. Great guys, let's go ahead, let's begin. Chalo, are you all ready? And am I audible? Guys, कोई लैग तो नहीं है ना? आई होप देर इज नो लैग राइट नाउ, इट्स वर्किंग फाइन. जल्दी से कंफर्म कर लो सब लोग. सो हम आगे बढ़ते हैं. हाई जिग्नेश, ज्योति, गुड इवनिंग गाइस. हाई शिवांगी, ग्रेट. सो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड, फॉर्मूला सीरीज. द ऑब्जेक्टिव इज टू क्विकली रिवाइज those formulae which most of the students find it difficult to remember. See, concepts we can understand and probably we don't need to revise so much, but formulae are something, they are like, you know, it requires frequent revision. So through this series, I intend to create some notes for you guys so that you can use them at the later stage and you can have repository of all the formula at one place, right? So this is why we have started with this. Jaldi se code note kar lo, SHA-10, you know where to use it. And this is a bit about myself. So keep learning guys and make sure that all of you are part of this channel. For any query related to plus subscription, ping me over here, Ronak_live on Telegram. Schedule dekh lo jaldi se. In case if you are new to my session, keep attending all the sessions, afternoon 12, then evening 6, evening 4 p.m. on Unacademy Learning app. डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करो एंड अनलॉक करो यूजिंग माय कोड SHA-10. ठीक है, प्लस बैच आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस. द मोमेंट यू फील यू नीड गाइडेंस, यू कैन गो फॉर प्लस बैच, राइट? डोंट वरी अबाउट न्यू बैच स्टार्टिंग एंड ऑल. आई विल हेल्प यू आउट विद द प्रिपरेशन प्लान. देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन प्लस, सो यू कैन स्टार्ट योर प्लस प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, and please participate in this combat every week. ठीक है, code use करना SHA-10 जब participate करते हो. मैं एक चीज और बता देता हूँ combat के लिए जो काफी लोगों को पता नहीं है. Guys, combat में जब आप participate करते हो और जो आपको scholarship code आता है, that is valid only for the limited period. If I'm not wrong, it is valid for about 7 to 10 days. पहला. दूसरा, अगर आपने दो बार से ज्यादा combat लिखा तो फिर बाद के codes generate नहीं होते हैं. सो अगर आप कॉम्बैट इस बार आप पार्टिसिपेट करते हो और आपको 25% स्कॉलरशिप मिली, गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग दैट कोड, क्योंकि बाद में वो वैलिड नहीं रहेगा. बाद में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको फर्स्ट रैंक भी आया तो भी आपको वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. मोनालिसा, यस एब्सोल्युटली, 6 months इज गुड इनफ मोनालिसा, व्हाई नॉट? And you can at least give a try, and if you do not get satisfactory result, you can always repeat it. But at least you will be able to test the waters. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मुझे और कितना preparation करना है, ये सब पता चल जाएगा. So मेरे हिसाब से भले ही आप next year try लिखना चाहते हो, but इस साल अगर आप eligible हो तो try करो. Hi Anchal. ओके एवरीवन, सो ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था, क्या आपने ट्राई किया? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, किसी ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन कि देयर इज अ 4-digit नंबर विथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम, सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11? ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स है 4-digit के जो इस फॉर्म के हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी सेम, मतलब ए बी सी ए इस फॉर्म का नंबर होना चाहिए, बीच के डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, करेक्ट? एंड गाइस, यू वांट इट टू बी डिविजिबल बाय 11, तो क्या करेंगे इसको? कितने नंबर्स हो गए ऐसे? Come on guys, anyone tried for this one? Sir, IIM का paper कैसा हो सकता है? ठीक है, IIM अहमदाबाद का paper. So आप check कर सकते हो, मतलब past में जब भी उन्होंने conduct किया है, my observation is के verbal ability is slightly on the tougher side, trickier side. Okay, quant तो भाई average रहेगा, कुछ ज़्यादा difficult वगैरह नहीं होगा. And see, if you observe, all the IIMs are on same page. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक IIM ने conduct किया तो बहुत ज़्यादा कोई change आ गया paper pattern में.
it remains almost same. ठीक है दोस्तों. सो या आई सिद्धार्थ. तो गाइज इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे 1000 A. सी मुझे एक चीज पता चली कि माई नंबर शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. फोर डिजिट नंबर इज ABCA, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम है. तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस A. तो गाइज ये हो जाएगा आपका 1001 A प्लस 10 इंटू, मैं यहां से 10 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10 B प्लस C मिलेगा. यू ऑल अग्री विथ दिस राइट एवरीवन? ये आपको ऐसा मिल जाएगा है ना. राइट नाउ यू वांट दिस नंबर टू बी डिविजिबल बाय 11 करेक्ट? या हाय राघव. तो गाइस बहुत ही आसान है, आपको पता है कि 1001 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 11. सो दिस पार्ट इज श्योरली डिविजिबल बाय 11. अब हमें क्या करना है? इसको डिविजिबल बाय 11 बनाना है. तो उसके लिए हमें इसको डिविजिबल बाय 11 बनाना पड़ेगा. देख के ही पता चल रहा है कि यू विल हैव टू टेक बी इक्वल टू सी है ना. तो देखो 10 B प्लस सी है. अगर मैं बी और सी दोनों 1 लेता हूं तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा. अगर मैं दोनों 2 ले लेता हूं तो ये नंबर 22 बन जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ करेक्ट. सो गाइज आपका बी और सी सेम होना चाहिए. बी एंड सी शुड बी सेम करेक्ट. तो गाइज अभी यहां पे बी और सी के लिए आई कैन टेक 10 वैल्यूज ठीक है ना. और ए के लिए मैं कितने वैल्यूज ले सकता हूं? सो आई कैन टेक 9 वैल्यूज फॉर ए. क्यों? क्योंकि ए इज द लीडिंग डिजिट, यू कांट टेक 0 फॉर दैट. बट बी और सी तो बीच में आ रहे हैं तो यू कैन टेक 0. सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट यू कैन मेक इज 9 × 10, दैट इज 90. क्या ये सबको समझ में आया गाइज? इट वॉज अ नंबर क्वेश्चन ठीक है. और ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व होने चाहिए. सिंपल डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप दिखा दो सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन. राइट गाइस सबको समझ में आया ना? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 90 आपका आंसर आ जाएगा. चलो व्हाट अबाउट दिस? यस ज्योति, ए का पार्ट क्या था? मतलब ए उस नंबर में अगर आप देखोगे ABCA, सो मतलब ये ए का वैल्यू है 1000 A, ये ए का वैल्यू है ए. सो 1000 A प्लस ए क्या हो गया? 1001 A. दिस तो डेफिनेटली इज डिविजिबल बाय 11. तो बाकी का पार्ट डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं वो चेक करना था हमें. दैट्स इट राइट. नाउ गाइस व्हाट अबाउट दिस वन? हाउ मेनी नंबर्स? ये मैंने आगे भी कराया हुआ है तो मैं वापस ले रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत आती है. हाउ मेनी नंबर्स एन आर देयर बिटवीन 1 and 200 सच दैट n/2, n/3 and 2n+1/5 ऑल आर कंपोजिट नेचुरल नंबर्स? तो गाइज आपने ट्राई किया था इसको? येस और नो जल्दी से बताओ. इसका आंसर आएगा टू सच नंबर्स ठीक है. चलो जल्दी से समझते हैं क्यों. गाइस देखो n/2 ठीक है, n/2 तो ये एक रिजल्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर आना चाहिए. तो पहले तो n हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 2. सेम वे n/3 तो 3 n हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब n इज अ मल्टीपल ऑफ 6 ठीक है. अब एक और चीज बताइए ना, दिस इज वेरी ट्रिकी गाइस. 2n+1/5 ठीक है. अब n हमारा 6 के मल्टीपल में है गाइस, n हमारा 6 के मल्टीपल में है ना. तो 6 के मल्टीपल के कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे तो लास्ट डिजिट 0 तो आ नहीं सकता. तो यहां पे क्योंकि ये रिजल्ट आपका इवन होगा, इवन प्लस 1 कांट बी 0, कांट एंड विद 0, क्योंकि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट डिजिट 0 या 5 आएगा तब करेक्ट. ओके तो इससे हमें पता चला कि गाइज ये जो n है 2n में लास्ट डिजिट आपका 4 आना चाहिए. लास्ट डिजिट आपका 2n का 4 आना चाहिए. मतलब आपको n की वैल्यू 6 के मल्टीपल में लेनी है. तो 6 के मल्टीपल के कौन से ऐसे नंबर है जो जिसमें लास्ट डिजिट 2 आता हो? तो गाइज आपको ऐसे वैल्यूज लेने पड़ेंगे 12 42 72 एंड सो एंड सो फोर्थ. देखो अगर मैंने L 12 लिया
तो 12 बाई 2 होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा, 12 3 से भी परफेक्टली डिवाइड होगा, एंड 2 इंटू 12 प्लस 1 करेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट मेरा 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5. सो गाइज हमें एन के वैल्यूज मिले ये वाले, कि एन 6 के मल्टीपल में है और लास्ट डिजिट हमें 2 चाहिए था, तो 6 के मल्टीपल के कौन से ऐसे नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 2 आता है, 12, 42, 72, देन 102, 132, 162 एंड 192, ये वैल्यूज है. अब आप चेक करो कि n बाई 2 करोगे कंपोजिट आना चाहिए, n बाई 3 कंपोजिट आना चाहिए, तो सब नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे या 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट कंपोजिट रिजल्ट, बट 2n प्लस 1 बाई 5 ये कंपोजिट आना चाहिए, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 बाई 5 किया तो रिजल्ट क्या आया, 5, नॉट अ कंपोजिट नंबर. 42 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 किया तो 17 आएगा, नॉट अ कंपोजिट नंबर. 72 इंटू 2 प्लस 1 बाई 5 किया तो ये आ जाएगा 29, नॉट अ कंपोजिट नंबर. तो गाइस हमें पता चला ये सब में कंपोजिट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इन दोनों का कंपोजिट मिलेगा, सो दैट्स वाई एन विल बी 162 एंड 192. थोड़ा सा सोचना गाइस, यू हैड टू डू दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. अगर आपने होमवर्क में नहीं किया है तो अभी तो समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी से, तो आप बाद में इसको वापस ट्राई करो, देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी गाड़ी 90% को क्रॉस करेगी. अभी क्लियर, जल्दी से लाइक ठोक दो, जल्दी से इस बात पे लाइक ठोक दो गाइस, ताकि हम आगे बढ़े. तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड मच बेटर प्रिपरेशन गाइस, कम एंड ज्वाइन माई प्लस बैच, शाह 10 यूज करो और जल्दी से प्लस में आ जाओ, ठीक है. और या काफ़ी और भी नए बैचेस आते हैं, बट जैसा मैंने बताया कि आप प्लस में आते हो तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बैचेस एंड ऑल, आई विल टेक केयर कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये सारा आपको गाइडेंस मिलेगा. आस्क अ डाउट फीचर, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे डाउट्स भेजते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, सर इसको कैसे किया. तो गाइज अगर आपके आप प्लस में हो तो आपको ये आस्क अ डाउट फीचर मिलता है, यू कैन अपलोड द क्वेश्चन एनी टाइम 24/7, आप कभी भी अपलोड करो एंड यू गेट वीडियो सोल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है क्वेश्चन का. सो दिस इज मस्ट गाइज, जैसे जैसे कैट पास में आता जाएगा आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा डाउट्स निकलेंगे, आपको सपोर्ट लगेगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. सो गो फॉर 12 months और 6 months प्लान, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, बट कोड ये अप्लाई करना मत भूलना. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक पर्सनल कोच एक आईएम वाला असाइन किया जाता है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. एंड फॉर एनी अदर सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी यू कैन स्टिल यूज दिस कोड. चलो, सो नाउ गाइस टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द फॉर्मूले राइट रिलेटेड टू रिमाइंडर्स एंड साइक्लिसिटी. अब साइक्लिसिटी में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक टेबल याद रखना होता है, तो ये सारा अभी हम नेक्स्ट 40 मिनट्स में पूरा रिवाइज करने वाले हैं, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस सम अमेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है. चलो लेट्स बिगिन गाइस. तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है. ओके, देखो सबसे पहले हम ऐसे याद रखेंगे कि जब भी हाई पावर रिमाइंडर क्वेश्चन आते हैं, यू नो हाई पावर रिमाइंडर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रिमाइंडर 1 या -1 लाने की कोशिश करनी चाहिए. तो उसमें रिमाइंडर आपको 1 या -1 लाने की कोशिश करनी चाहिए. वेरी सिंपल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज 18 raised to 37 डिवाइड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर. 18 raised to 36 कर देता हूं, चलो डिवाइड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर. बताओगे इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से टाइप करो चैट बॉक्स में. अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंडर पता है तो टाइप करो चैट बॉक्स में. जैसा मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज इसको रिवाइज कर लेना. Hi Kush, you are installing the app using my code. Okay, thanks Kush. Keep doing it. आपको फायदा होगा, मेरे सारे सेशन के आपको अपडेट्स आते रहेंगे, तो आप फॉलो भी कर सकते हो गाइस. अगर आपने ऐप जस्ट इंस्टॉल किया तो मेरा प्रोफाइल सर्च करो बाय द नेम रौनक कुमार शाह. यू नो एक कुमार एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, जैसे अक्षय कुमार है वैसे रौनक कुमार है, बट अक्षय कुमार में शाह नहीं आता है, मेरे में शाह आता है. तो ये प्रोफाइल पे सर्च करो एंड देन प्रेस द फॉलो बटन,
फॉलो कर दो तो ऑटोमेटिकली मेरे सेशन के अपडेट आ जाएंगे आपको, ठीक है? राइट, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। क्या आंसर आएगा? जिग्नेश इज सेइंग वन, राघव इज सेइंग वन, हाय कार्तिक, कार्तिक पाहुजा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्या हो गया था? यस गाइस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलो समझते हैं, ठीक है? तो देखो, पहले तो 18 को 5 से डिवाइड करो, तो गाइस 18 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। सो मेरा क्वेश्चन हो गया 3:36 डिवाइड बाई 5। अब मुझे एक चीज दिख रही है, 3:2 is 9, 3:2 is 9 एंड 9 डिवाइड बाई 5 व्हाट इज द रिमाइंडर? तो आई कैन से इट्स -1, क्योंकि 9 क्या है, 5 के मल्टीपल से एक कम है, 5 के मल्टीपल से एक कम है, इसलिए 9 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर इज -1। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3² होल रेस टू 18 डिवाइड बाई 5, 3² is 9, 9 डिवाइड बाई 5 व्हाट इज द रिमाइंडर? सो रिमाइंडर इज -1 एंड -1 रेस टू 18 पावर करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो गाइस, दिस इज व्हाट इट मींस के हाई पावर रिमाइंडर में ट्राई टू गेट रिमाइंडर 1 और -1। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओहो कार्तिक, या टेक केयर, हाँ पोस्ट कोरोना ऑल्सो यू नीड टू बी केयरफुल। चलो फाइन, नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट पॉइंट गाइस, फॉर्मेट्स लिटिल थियोरम करके एक थियोरम है, बहुत ही सिंपल सा थियोरम है। ए रेस टू पी लीव्स रिमाइंडर ए व्हेन डिवाइडेड बाय पी, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए शुड बी लेस देन पी। गाइस इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, ठीक है? सो सपोज मैं ले लेता हूं 2:5 डिवाइड बाय 5, गाइस रिमाइंडर हैज टू बी 4, 4:5 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर हैज टू बी 4, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो देखो, ए रेस टू पी डिवाइडेड बाय पी, मतलब ये मेरा ए है, ये पी है, डिवाइड बाय, ये मैंने कर दिया ए रेस टू पी डिवाइड बाय पी, तो ये प्राइम नंबर ले लिया। क्या ये समझ में आया दोस्तों? आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सो ये हो गया फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। अच्छा गाइस, इसी से एक और पॉइंट आ गया, ए रेस टू पी माइनस ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय पी, मतलब अगर मैं 4:5 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 आता था, तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, मतलब दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। ये हो गया फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, याद रहेगा सबको दोस्तों, अगर कभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया सीधा सॉल्व होना चाहिए। अभी क्लियर? राइट, लेट्स लुक एट नेक्स्ट पॉइंट गाइस, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम। जब भी फैक्टोरियल नंबर में रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट लाइकली विल्सन्स थ्योरम लगेगा। क्या है? पी माइनस वन फैक्टोरियल वेर पी इज प्राइम, पी माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी, रिमाइंडर इज पी माइनस वन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, 5 - 1 factorial डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 5 - 1। चेक करो, देखो 4 आएगा कि नहीं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 करेंगे रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो ये हो गया विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम, करेक्ट एवरीवन? सो हर रोज हम ऐसे सारे अलग अलग फॉर्मूले को, पूरे क्वांट के फॉर्मूले को रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने कुछ ज्यादा शुरू नहीं भी किया है तो आप सिर्फ जो टॉपिक होने वाला है उसका वीडियो देख लो, एक 1.5x पे वीडियो देख लो दोस्तों, आपको सारे फॉर्मूले यहां पे याद रह जाएंगे। फिर बाद में जब आप उसको अच्छे से करोगे तो और पक्का हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक मैक्सिमम आउट ऑफ द सेशंस। फिर एक है ऑयलर्स रिमाइंडर थ्योरम। अब कल मैंने आपको ऑयलर नंबर बताए थे कि गाइस अगर कोई एक कंपोजिट नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a^p (b^q) (c^r), तो व्हाट इज ऑयलर नंबर्स ऑफ n? तो phi ऑफ n होगा n इंटू 1 - 1 upon a इंटू 1 - 1 upon b एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये मैंने कल बताया था, तो बस अगर a^phi(n) डिवाइड बाय n है तो रिमाइंडर विल बी 1। एग्जाम्पल से समझते हैं, याद रखना a शुड बी लेस देन n एंड a एंड n शुड बी कोप्राइम, ठीक है? तो इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस, लेट मी टेक एग्जाम्पल लाइक दिस वन, यू नो क्या एग्जाम्पल ले ले, वो भी एक सवाल है। तो एग्जाम्पल लेते हैं 4:2 एग्जाम्पल हमें लेना है, सो हमें लेना पड़ेगा 4:64 डिवाइड बाई 15, व्हाट विल बी द रिमाइंडर?
4:64 डिवाइड बाई 15 गाइस, व्हाट इज द रिमेनर? अब डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है तो आप सीधा आंसर कहोगे सर 1 आना चाहिए, तो कैसे आएगा ये रिमेंडर 1 कैसे आएगा? चलो उसको समझते हैं दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है? तो क्वेश्चन तो मैंने अच्छा बनाया है, 4:64 डिवाइड बाय 15 फाइंड द रिमेंडर। तो पहले तो व्हाट इज 5 ऑफ 15 गाइस, 15 क्या होता है? 3:1 इंटू 5:1, सो 5 ऑफ 15 क्या होगा? 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5, सो ये हो जाएगा 8। मतलब 5 ऑफ 15 इज 8, मतलब अगर 4:8 डिवाइड बाय 15 करेंगे ना, रिमाइंडर हैज टू बी 1। तो कैन आई से 4:64 इज नथिंग बट 4:8 होल रेस टू 8, तो इसमें भी रिमाइंडर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा कि नहीं? यस गाइस, क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई ऑयलर्स रिमाइंडर थ्योरम? कम ऑन गाइस, जल्दी से बताओ मुझे। यस राइट, तो गाइस एक स्पेशल केस है, दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो याद रख लेना। राइट ओके, सो अमृत उसके लिए फिर अभी रिमाइंडर का पूरा वीडियो देखो एक बार तो समझ में आएगा। अगर आपने रिमाइंडर का रिवीजन किया, अगर आपने नंबर सिस्टम किया हुआ है तो ही समझ में आएगा, अगर आपको पता ही नहीं है तो अभी तो डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। ठीक है अमृत, सो प्लीज ट्राई टू चेक दैट। मैंने कल भी बताया था कि आप प्लीज रिवीजन करो उसका, क्योंकि ये फॉर्मूला सीरीज में आपको आइडिया होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, सो दैट वी कैन रिवाइज द फॉर्मूले। राइट, देखो दोस्तों फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8:2m डिवाइड बाई 2a, रिमाइंडर इज a इफ a इज ऑड, 2m डिवाइड बाई 2b, रिमाइंडर इज 0 इफ b इज इवन। क्या ये याद है सबको? अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्यों बज रहा है? जस्ट अ सेकंड, चलो या सर मैंने किया है लेकिन इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है सर। ओके आंचल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक एग्जांपल को अभी के लिए छोड़ दो, आप उसको डिटेल, उसका डिटेल सेशन देखो एक बार तो आपको क्लियर होगा। मैं ये पॉइंट बताता हूँ गाइस, ये पॉइंट क्या कहता है, a^2m डिवाइड बाय 2a गाइस, रिमाइंडर विल बी a इफ a इज ऑड। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाइस यू नो 7:31 डिवाइड बाय 14 रिमाइंडर विल बी स्ट्रेट अवे 7। यहां पे कोई भी पावर हो डजेंट मैटर, 7 को उसके डबल से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 ही आ जाएगा, अगर ये एक ऑड नंबर है तो, ये एक ऑड नंबर है तो। उसकी जगह पे हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, 6:51 डिवाइड बाय 12, नाउ रिमाइंडर विल बी स्ट्रेट अवे 0 बिकॉज 6 इज इवन, दिस इज एन इवन नंबर। ये समझ में आ रहा है? अभी ये क्यों ऐसा होता है तो वो हमने डिटेल में वो सेशन में डिस्कस किया है, ठीक है? राइट तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, रिमाइंडर रिलेटेड मेनली इतने थ्योरम्स है ये आपको याद रखने हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं गाइस, ट्राई टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ट्राई करो आ जाएगा समझ में। अमृत आंचल ट्राई करो इसको, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दैट, मैंने क्वेश्चन भी रखे है। क्या आंसर आएगा गाइस? दिस इज एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचो, ट्राई टू गेट रिमाइंडर 1 और माइनस 1, एवरीवन ट्राई टू गेट रिमाइंडर 1 और माइनस 1।
Raghav is saying remainder is 4. Is it? What about others? Anchal Gupta is saying remainder minus 5. Anchal, remainder minus 5 जब 9 से डिवाइड करते हो मतलब रिमाइंडर 4 ही हुआ गाइज. आप 4 कहो या माइनस 5 कहो इट्स वन एंड सेम, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, बोथ आर वन एंड सेम. नो आंसर इज 4. 4 और माइनस 5 दोनों सही है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गाइज. देखो एक चीज आपको पता है कि 4³ इज 64 एंड 64 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर इज 1. ये तो आप सबको पता है ना. तो यहां पे 13 डिवाइड बाय 9, 13 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं. तो 13 रेज टू 91 डिवाइड बाय 9, 13 रेज टू 91 डिवाइड बाय 9, कैन आई राइट डाउन दिस एज 4 रेज टू 91 डिवाइड बाय 9, कैन आई राइट डाउन दिस एज 4³ होल रेज टू 30 डिवाइड बाय 9 इंटू 4. नाउ 4³ इज 64, 64 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर इज 1, सो 1 रेज टू एनी पावर इट्स गोइंग टू बी रिमाइंडर 1, सो फाइनल रिमाइंडर इज 1 इंटू 4 दैट इज 4. दिस इज योर फाइनल रिमाइंडर. क्या अभी ये सबको समझ में आया दोस्तों? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कम ऑन क्विकली कंफर्म. यस चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस. व्हाट अबाउट दिस वन, 12 रेज टू 40 डिवाइड बाय 25, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सोचो सोचो. मैंने जितना भी पढ़ा है, जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसी में से कोई फॉर्मूला लगेगा दोस्तों. जिग्नेश इज सेइंग वन. जिग्नेश वाई वन? विच थियोरम विल यू अप्लाई ओवर हियर? कैन यू कंफर्म विच थियोरम विल यू अप्लाई ओवर हियर? कौन सा थियोरम अप्लाई करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे? ओके सो प्रमाथ मेहत्रे, इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली देन यू कैन कनेक्ट विथ मी. अगर आपको जनरल कोई भी क्वेरी है प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. गाइज अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको मेरा प्लस बैच ज्वाइन करना है तो यू कैन पिंग मी ओवर हियर टेलीग्राम पे ronak_live. ठीक है, आप इसके ऊपर मुझे पिंग कर सकते हो अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है. राइट, प्लीज डोंट पिंग मी गाइज फॉर अदर जनरल क्वेरीज. इफ यू आर डिसाइडिंग टू गो बाय सेल्फ स्टडी यू विल हैव टू डू इट बाय सेल्फ स्टडी. यू कैन डेफिनेटली अटेंड माई फ्री सेशंस. ठीक है, राइट गाइज. ऑयलर्स रिमाइंडर थियोरम यहां पे लगेगा. ऑयलर्स रिमाइंडर थियोरम तो ये थियोरम लगेगा यहां पे. तो गाइज ऑयलर्स रिमाइंडर थियोरम क्या कहता है? बट उससे पहले गाइज व्हाट इज फाई ऑफ 25? गाइज फाई ऑफ 25 इज नथिंग बट 20. अब ये मैंने आपको बताया कि ऑयलर नंबर्स कैसे निकालते हैं. सो 12 रेज टू 20 डिवाइड बाई 25 द रिमाइंडर इज डेफिनेटली 1, क्योंकि इफ दिस इज एन देन दिस विल बी फाई ऑफ एन. राइट, तो गाइज 12 रेज टू 20 होल रेज टू 2 है. 40 मतलब क्या हुआ, 12 रेज टू 20 होल रेज टू 2 डिवाइड बाई 25 रिमाइंडर इज स्टिल 1. अभी क्लियर? सो रिमाइंडर आपका 1 ही रहेगा. ओके यस चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. तो जो मैं अभी बता रहा था गाइज, यू नो एट डिफरेंट स्टेजेस यू विल रिक्वायर गाइडेंस एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर टॉप कॉलेजेस IIMs एंड ऑल. सो इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 20 lakhs ओवर देयर, व्हाई नॉट 20,000 फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट, सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस एंड यू कैन गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज. क्योंकि विदाउट गाइडेंस ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट. अनलेस यू आर अ रीटेकर या ऐसा कुछ है, आप वापस लिख रहे हो तो शायद आपको आइडिया है कैसे करना है. बट इफ यू आर दैट टिपिकल नॉन इंजीनियर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट गाइस, चार चैप्टर करोगे एंड ट्रेन डिरेल हो जाएगी. सो यू विल रिक्वायर गाइडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर प्लस. राइट,
और डेफिनेटली उधर काफी डाउट सॉल्विंग वगैरह आपको मिलता है. सो ज्वाइन मी क्विकली यूजिंग दिस कोड चार्ट 10. ये कोड यूज करना मत भूलना. राइट नाउ व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर, व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. गाइज एक इवन नंबर को अगर मैं टू टाइम्स इवन नंबर से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर हैज टू बी जीरो. इजंट दैट आप 12 raised to 25 डिवाइड बाय 24 कर रहे हो. इवन नंबर को डबल ऑफ इवन नंबर से कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. राइट बहुत ही सिंपल था. याप चलो जस्ट अ सेकेंड. राइट नाउ प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहां पे क्या लगाएंगे. अमन शर्मा या आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब यू कैन ज्वाइन आईपी मैट 2022 बैच एंड देन 22 में वापस नया बैच आएगा. तो एक साल में कंप्लीट होता है प्रिपरेशन. इफ यू वॉन्ट टू डू इट ट्वाइस यू कैन डेफिनेटली डू इट. यू कैन ज्वाइन आईपी मैट बैच. सो गाइज आईपी मैट आज से नया कोर्स लॉन्च हुआ है अनअकेडमी पे. आप अभी अगर मोबाइल में देखोगे, मोबाइल में अगर आप चेक करोगे आईपी मैट अलग कैटेगरी दिखेगा, बीबीए एंड होटल मैनेजमेंट करके आपको एक कैटेगरी दिखेगा. सो यू कैन गो फॉर 2 years सब्सक्रिप्शन यूजिंग वंस अगेन द कोड चार्ट 10 एंड यू कैन हैव 2 years प्रिपरेशन. ठीक है चलो अभी हम प्रिपरेशन करते हैं. अरे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको. रेखा इज स्ट्रेट अवे सेइंग जीरो. तो गाइज इसमें देखो ये 16 plus 19 35 है, 17 plus 18 35 है. तो आप इसको ऐसे कर दो 16 cube plus 19 cube ये एक पार्ट बन गया प्लस 17 cube plus 18 cube. या अमन है ना ये फ्री सेशंस तो है ही तो ये अटेंड कर सकते हो. When you normally mention batch, ठीक है ये batches नहीं है, ये जो मैं कराता हूँ these are not batches, these are not syllabus completion batches. I keep teaching different topics over here, I or the other faculties on YouTube, right? At Unacademy. Batch ये होता है जिसमें आपका complete preparation होता है. So वो मैंने आपको बताया. ठीक है बाकी आप ये free sessions attend कर सकते हो. There's so many videos available, more than 2000 videos available. तो आप उसमें से खुद से कर सकते हो definitely. So now this divide by 70. Okay, हमें इसको 70 से divide करना है. Now guys, you know a cube plus b cube is nothing but a plus b in the bracket a square minus a b plus b square. ऐसा कुछ आएगा. So same ही यहाँ पे क्या आएगा, 16 plus 19 in the bracket 16 square minus 16 into 19 plus 19 square. Guys, एक चीज बताओ ये even number होगा या odd number होगा, जरा बताओगे. ये जो सेकंड ब्रैकेट का नंबर है इज इट एन इवन नंबर और ऑड नंबर, कैन यू प्लीज टेल मी विच काइंड ऑफ नंबर इज इट. इवन और ऑड, कम ऑन, कैन आई से इट विल बी एन ऑड नंबर, क्योंकि ये एक इवन है, ये एक इवन है और ये ऑड है. सो ये रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा. नहीं पृथ्वी अमृत बेसिक ठीक करो आप लोग, अगर आप ये इवन ऑड नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो मतलब दिक्कत है. गाइज इट्स गोइंग टू बी एन ऑड नंबर, वेरी सिंपल पॉइंट, ये एक ऑड नंबर होगा. सेम वे मैं दूसरा ब्रैकेट लिखता हूं यहां पर 17 plus 18 इन द ब्रैकेट 17 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 18 प्लस 18 स्क्वायर. वंस अगेन इफ यू चेक दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज इवन. तो एक ऑड और दो इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट तो आपका ऑड ही आएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन ऑड नंबर. सो बेसिकली अभी मेरा क्या हो गया, देखो दिस इज 35, दिस इज ऑल्सो 35. सो लेट मी टेक आउट 35 एज द कॉमन फैक्टर. सो आई विल बी लेफ्ट विथ ऑड रिजल्ट प्लस ऑड रिजल्ट. So this is going to be even.
And guys, any multiple of 35, any even multiple of 35 will always be divisible by 17. So remainder has to be equal to 0. So it was a tricky question. It was definitely a tricky question. Okay? Yes. Chalo. Now, what about this one? Who will tell me the answer for this? अरे जैनम तुम सुबह से एक ही पॉइंट के पीछे पड़े हो. कैलेंडर के क्लासेस हम लेंगे, कैलेंडर के क्लासेस लेंगे. अरे कोई तो लेगा यार. ठीक है, चेक करते रहो, कभी तो आएगा. एटलीस्ट आई एम नॉट टेकिंग इन नियर फ्यूचर. ठीक है, मतलब मैं नियर फ्यूचर में तो मेरा प्लान नहीं है कि एटलीस्ट एक नेक्स्ट वन मंथ में कैलेंडर कराने बैठूं. तो मैं अगर जब भी कंडक्ट करता हूँ गाइस, जो भी सेशन में कंडक्ट करता हूँ, सो आई ऑलवेज मेंशन इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे रहो, ये ग्रुप पे आप होने चाहिए. ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा क्योंकि कैलेंडर इज अ मिसलेनियस टॉपिक. गाइस आप कोई भी एग्जाम ले लो, कैलेंडर के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं, बहुत कम. तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, मिसलेनियस टॉपिक्स, उसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले हम मेन टॉपिक को करते हैं. यस मोहित, योर फाइनल ईयर रिजल्ट विल बी आउट नेक्स्ट ईयर. मतलब यू शुड बी इन फाइनल ईयर आइडियली. मतलब आपका 2019-22 या 18-22 बैच होगा, तो यू आर एलिजिबल फॉर कैट 2021. ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर कैट 2021 फॉर श्योर. ओके, तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा? चलो मैं बता देता हूं. नाउ व्हाट इज 48? गाइज व्हाट इज 48? 48 इज 16 × 3, मतलब 2 raised to 4 × 3 raised to 1. सो व्हाट इज 48 raised to 45? It is 2 raised to 4 whole raised to 45 × 3 raised to 45. Now what is 81? 81 is nothing but 3 raised to 4. Guys, ये सीधा इसके साथ में कट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 3 raised to 41. राइट, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल ऑफ हो रहा है, सो याद रखना उस केस में रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो. रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो इफ द कंप्लीट डिनोमिनेटर गेट्स कैंसिल्ड ऑफ विद द न्यूमरेटर. राइट, ओके, ठीक है. चलो नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. क्या आएगा इसका आंसर? अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अगर आपको अच्छे से पता है व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स, वैसे ये सारा मैंने आपको कल कराया था. बट दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजर कह देते हैं. कौन करेगा ये चैलेंजर को? चलो बताओ. ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया गाइस, आपके 99% आएंगे कैट में, 99% आएंगे. ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है. तो लेट मी सी, डू आई हैव एनी व्यूअर हु इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, थिंकिंग अ लॉट. पी इज अ नेचुरल नंबर, 2p हैज 28 डिवाइजर एंड 3p एस 30 डिवाइजर. देखो आप ट्रायल एंड एरर से भी सोच सकते हो, एक नंबर ऐसा बताओ जिसमें 28 फैक्टर्स हो, जिसका डबल करते हैं तो 28 फैक्टर्स है और उसका ट्रिपल करते हैं तो 30 फैक्टर्स है.
नकुल इज सेइंग 45. हाँ, नकुल तुक्का है ये, तुक्का. हाँ, ऐसा नहीं है. शुभम इज सेइंग ऑप्शन बी 40. गाइस, कोई भी नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ए रेस टू पी इंटू बी रेस टू क्यू इंटू सी रेस टू आर एंड सो एंड सो फोर्थ, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू पार प्लस वन इंटू पार प्लस वन इंटू पार प्लस वन. ठीक है, आंचल ने भी अपना तुक्का मार दिया लगे हाथों, अमित ने भी अपना तुक्का मार दिया. अमित, ये तुक्का है ना? एंड रेजिंग, तुम्हारा भी तुक्का है ना? सच्ची बताओ, ऑनेस्टली बताओ. अगर तुक्का है तो यस लिखो चैट बॉक्स में, अगर कुछ सोच के किया है तो बताओ बताओ गाइस. चलो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, देखो. हाँ, तो प्रीता आंसर क्या है? 35. आर यू श्योर 35 है? ओके, ज्वाला इज सेइंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन लाइव. But Jwala, this series of session is, this formula series is mainly for those who have attended number system earlier, right? तो या तो आप ये session जब attend करते हो उससे पहले वो previous video को review कर लो, एक बार watch कर लो, तो आपको समझ में आए. या प्रीता, what is the logic? Can you please mention, प्रीता, if you are finding it easy, तो आप जरा mention करो उसको, क्योंकि easy तो Google करना भी होता है, right? No, but why 6 plus 1 into 4 plus 1? Why 6 plus 1 into 4 plus 1? It can also be 10 into 3. So it can be 9 plus 1 into 2 plus 1 also, na? So why have you taken 6 plus 1 into 4? By the way, 6 plus 1 into 4 plus 1 karoge, to wo 35 aayega. Aha, no, no, I'm just saying. Guys, I'm just saying. Can you just mention this? ओके गाइस, चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं. राइट, या गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं. एक नंबर ले लेते हैं, लेट मी टेक एन इक्वल टू 12. हाँ, एन इक्वल टू 12 लेते हैं. 12 क्या है? 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 1. सो गाइस, 2n क्या हो जाएगा? 2n विल बी 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 1. राइट, अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? कहने से इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे आएंगे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6, और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? कहने से 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 8. करेक्ट गाइस, दिस विल बी 8. क्या आप ये मानते हो? तो सेम चीज होती है अगर मैं 3n करूंगा गाइस, अगर मैं 3n करूंगा तो 3n क्या आएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 रेस टू 2. राइट, 2 स्क्वायर इंटू 3 रेस टू 2. तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1. तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ जाएंगे 9. राइट एवरीवन, अगर n आपका 12 है तो आपका 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 2 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. राइट, तो यही लॉजिक हमें यहां पे यूज करना है. सुनो ध्यान से, देखो ये 28 डिवाइजर है, 2p हैज 28 फैक्टर्स. 28 फैक्टर्स. अब ये 28 कैसे हो सकता है? 7 इंटू 4 हो सकता है, 14 इंटू 2 हो सकता है. 14 इंटू 2 करोगे मतलब इसके अंदर a की 13 पावर है इंटू b की 1 पावर है. राइट, अगर मैं 7 इंटू 4 लेता हूं, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों. ठीक है, अगर मैं 14 इंटू 2 लेता हूं तो मुझे पता चला कि a रेस टू 13 इंटू बी रेस टू 1 होगा, तभी नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो गए 13 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1. अगर 7 इंटू 4 लिया
तो ए रेस टू सिक्स राइट इंटू बी रेस टू आपका कितना आ जाएगा, ए रेस टू सिक्स इंटू बी रेस टू थ्री आएगा, करेक्ट एवरीवन? ये क्लियर है? यस yes? है ना? अब यहां पे हम अगर 2p के ये फैक्टर है, सपोज ये हमारा 2 है, a इज 2, सपोज a इज 2, तो हमारा p क्या आ जाएगा, कहने से a रेस टू 5 इंटू बी रेस टू 3 आ जाएगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 8, 24 फैक्टर्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस वन, 3p के लिए हम करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझो, क्या यहां तक सबको क्लियर है? दोस्तों ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया कि 28 फैक्टर्स मतलब 7 इंटू 4 होता है, 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, जो प्रीथा ने बताया था ऑलमोस्ट वैसे ही हम कर रहे हैं, या फिर 14 इंटू 2 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इट कैन बी 13 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो इसलिए आपका नंबर का फॉर्म होना चाहिए कुछ ऐसा। यस yes? अगर और ये 2p का है तो गाइज अगर मैं a 2 ले लेता हूं तो p क्या आएगा, 2 a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 3, ऐसा कुछ आ सकता है? फाइन, चलो गाइज अब मैं 3p देखता हूं, 3p हैज 30 फैक्टर्स। अब 30 फैक्टर्स मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो 6 इंटू 5 या फिर 10 इंटू 3, करेक्ट दोस्तों? 6 इंटू 5 एंड 10 इंटू 3, अच्छा मतलब ये 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 एंड यहां पे मैं लिख देता हूं 4 प्लस 1, राइट? तो ये हो जाएगा a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 4, या फिर यहां पे हो जाएगा ये 10 इंटू 3 है तो आप कह सकते हो कि a रेस टू 9 इंटू b रेस टू 2। गाइस देखो यहां पे ठीक है, अगर 3p के लिए आपने ये लिया, अब a तो हमने ऑलरेडी 2 लिया था तो लेट्स अज्यूम कि b इज 3, b हमारा 3 था तो p क्या आ जाएगा गाइस, b की एक पावर कम हो जाएगी, 3p था तो b रेस टू 4 आया था, सो जस्ट p है तो क्या लिखोगे, a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 3 लिखेंगे, कहने से दोनों में हमारा p यही आ रहा है, तो मतलब हमें समझ में आया कि a शुड बी 2, b शुड बी 3 एंड माई नंबर शुड बी दिस, p शुड बी इक्वल टू a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 3, ये मेरा नंबर होना चाहिए, ठीक है? और आई कैन से 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 3, सो गाइस 6p क्या हो जाएगा, 6p विल बी इक्वल टू 2 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 4, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, तो इसलिए आपका आएगा 35। नाउ अमृत इज सेइंग सर 15 इंटू 2 भी तो हो सकता है ना, अरे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है 15 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 5 इंटू 2 भी हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। सो दिस इज Once again a question for homework. आप इसको सोचना कि मैंने क्यों ऐसे किया दोस्तों, अल्टीमेटली हमें P मैच करना था यहां पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं वैसे 30 को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बट क्या यहां पे ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता था, मुझे इन दोनों को मैच करना था, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उधर, राइट? गिव अ थॉट गाइस। सो प्रीता डेफिनेटली इट इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ओके इट्स एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लेट्स नॉट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, या इट्स अ गुड थिंग दैट यू कुड सॉल्व इट, एंड येस आई रियली विश कि आपके 99% आए, बट इफ यू लुक एट अदर स्टूडेंट्स इवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? हाँ, सो गाइज ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, राइट? रिमाइंडर इसको करना है। Now let's try for this question. What will be the answer for this? And again, it's a tricky remainder question. Try for this, guys. Take 2 minutes and then I'll explain. Chalo. Everyone, please try for this. Prithvi, after the session, what you can do is, Prithvi, you can just replay the video and you will understand. You will be able to hear me once again. Right? Ek bar aap dekho jara usko.
Anchal Jain, just touch your screen and increase the resolution to 360p or 480p and you will be able to see that clearly. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो यू यूज समथिंग कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ये एक पॉइंट बाकी था, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. क्या आपको पता है ये? डू यू नो दिस और डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस? कम ऑन गाइज, डू यू नो दिस और डू यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन, डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस? Everyone, क्या आएगा आंसर? सो समवन इज सेइंग वन, द अदर इज सेइंग माइनस वन, राइट? चलो गाइस यहां पे समझते हैं ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है. गाइस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मतलब स्प्लिटिंग द डिवाइजर, स्प्लिटिंग द डिवाइजर. ठीक है, ये जो डिवाइजर है उसको स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है? कोप्राइम नंबर्स में स्प्लिट करना है. तो गाइस 27 इंटू 4 ऐसे में स्प्लिट कर सकता हूं. क्यों 27 लिया? क्योंकि ये 3 की पावर है. तो कैन आई से यहां पे मुझे दो क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 raised to 450 या डिवाइड बाई 27, फाइंड द रिमाइंडर. ठीक है, एंड या 3 raised to 450 डिवाइड बाई 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर. कैन आई से 3 की कोई भी पावर, 3 से बड़ी कोई भी पावर को आप 27 से डिवाइड करोगे गाइज, रिमाइंडर तो डेफिनेटली आपका यहां पे 0 आएगा. क्योंकि 3 क्यूब क्या होता है? 27, 3 की कोई भी पावर आप लेते हो, 3 से बड़ी पावर, तो 27 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये रिमाइंडर तो 0 मिल गया. Yes, now 3 raised to 450, guys, what is 3 divided by 4? It's minus 1 and minus 1 raised to even power. So can I say remainder will be 1? So yahan pe 3 raised to 450 divided by 4, remainder is 1. That means our final remainder, guys, my final remainder should be of this form. 27 into A plus 0, theek hai? Or you can say 27 into A should be equal to 4b plus 1. ये फॉर्म का मेरा रिमाइंडर होगा. 27 के मल्टीपल में रिमाइंडर होगा और 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा रिमाइंडर होगा मेरा. ठीक है, तो गाइस थिंक ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ऑफ दिस फॉर्म. ऐसा कौन सा नंबर है? डेफिनेटली टेक ए एस 3 एंड बी एस 20 एंड यू विल गेट नंबर एज 81. सो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो. फिर तो एक बार आपको ये मिल गया, नाउ यू कैन गो बाय आंसर ऑप्शन एंड यू विल फाइंड दैट के 81 इज द आंसर, राइट? सो गाइज विद दिस वी हैव यू नो रिवाइज्ड मेनी कॉन्सेप्ट, मेनी फॉर्मूले एंड हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आज, राइट? तो मैं जल्दी से आपको टाइमिंग दिखा देता हूं. ये क्वेश्चन होमवर्क में आप करोगे गाइज, दिस इज फॉर होमवर्क. और नेक्स्ट क्लास में हम रिमेन साइक्लिसिटी करेंगे और फिर फैक्टोरियल करने वाले हैं. ठीक है, ज्वाइन मी ऑन प्लस यूजिंग दिस कोड chart10 एंड कीप लर्निंग विथ मी गाइज. टाइमिंग्स मेरे मैंने बताए थे, आफ्टरनून 12 PM एंड इवनिंग 6 PM. ये यूट्यूब के सेशन के टाइमिंग्स है. फिर अनअकैडमी ऐप पे मैं सेशन लेता हूँ 4 PM को. दिस आर माई फ्री सेशंस. उसके अलावा मेरे प्लस बैचेस भी है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो. प्लीज कीप अटेंडिंग रेगुलरली एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू एट 9:15 इन द प्लस बैच. बाय बाय गाइज. और फिर कल 12 बजे दोपहर में. ठीक है.